हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीए कल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आसानी हो पढ़ने में, रिवीजन करने में। आज हम पढ़ेंगे 2 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के साथ में आईटीआई और डेली करंट अफेयर्स की पुरानी क्लासेस के सभी वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर वर्ष वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। यह पूरी दुनिया भर में वृद्ध जन या सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं उनके प्रति अत्याचार जो होता है उसे लोगों के सामने लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने माता पिता को जो आश्रम में छोड़ देते हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कि उनकी देखभाल करें, इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि ताकि उनके प्रति अत्याचार ना हो। दुनिया में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व सीनियर सिटीजन दिवस। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रौढ़ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। कौन कौन से दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। क्या? कॉफ़ी डे। विश्व शाकाहारी दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन के बाद में अभी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार चाहती है कि डिजिटल बिजनेस ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसीलिए वहाँ पर डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्लम अपग्रेडेशन अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में झुग्गी झोपड़ी को समाप्त कर स्लम अपग्रेडेशन अभियान शुरू किया है, यानी कि इन्हें पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा, यानी कि अब झुग्गी झोपड़ी को समाप्त कर दिया जाएगा और पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा गरीब लोगों को। यह अभियान प्रारंभ किया उड़ीसा में, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ पर राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पन बंदोपाध्याय। अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और जो एस आर मोहंती है यह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और यह जो अल्पन बंदोपाध्याय है यह राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राजीव सिन्हा की। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं संजय कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही है अल्पन बंदोपाध्याय जिनको अभी पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो 1911 से पहले भारत की राजधानी भी हुआ करता था। कोलकाता भारत की राजधानी था 1911 के पहले, और 1911 को दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित कर दिया गया और 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ पर राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा।
यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कोई जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में ही ब्रह्मोस मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी मारक क्षमता है, कितनी है इसकी मारक क्षमता? 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर इस ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और अभी हाल ही में उड़ीसा में ही पृथ्वी टू मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। और जो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ था, किसका? अग्नि 5 का, उसका भी परीक्षण हुआ था उड़ीसा में ही। तो अब यह तीनों मिसाइल का परीक्षण जरूर याद रखिएगा कहाँ पर हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS देसवाल। SS देसवाल को अभी एनएसजी का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और SS देसवाल जी ITBP के अभी महानिदेशक भी है। किसके? ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत पुलिस बल के यह अभी महानिदेशक भी है। और यह गुजरात कैडर के 1985 यानी 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनको अभी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है एनएसजी का। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1949 में। कब? 1949 में। और यह आतंकवाद के विरोध में जो गतिविधियां होती है उनके लिए कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SS देसवाल को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए किसने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल ने यह अभियान प्रारंभ किया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। यह छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए है ताकि उन्हें वह अपना कारोबार आसानी से चला सके। तो बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना की गई थी सन 1998 में। कब? 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। किसके द्वारा? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई है? इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके CEO है सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह एक बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जो एक सर्च इंजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सैयदा अनवर तैमूर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक राजनेता थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है सैयद अनवर तैमूर, जो असम की मुख्यमंत्री रही है। कब से कब तक? तो सन 1980 से 81 तक यह असम की मुख्यमंत्री रही है। और संपूर्ण स्वतंत्र भारत की यह पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो अभी असम की मुख्यमंत्री थी। तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल है अभी जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और एक बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जयंती से किस शहर में रोको टोको अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से स्वच्छता के प्रति रोको टोको अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इससे यह होगा कि लोग स्वच्छता बनाए रखेंगे और इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, इसीलिए रोको टोको अभियान प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और कंटिन्यू लगातार 4 वर्षों से इंदौर भारत में नंबर 1 पर बना हुआ है स्वच्छ शहर के मामले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PD वाघेला। PD वाघेला को
ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं ट्राई की, तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। क्या कहते हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी सन 1949 में। कब? 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी अध्यक्ष तो बन गए हैं कौन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीडी वाघेला। कौन बने हैं? पीडी वाघेला, यही है पीडी वाघेला जो ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। और यह किसका स्थान लेंगे? यह स्थान लेंगे जे एस शर्मा का। किसका? जे एस शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।